नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। लगातार 3 दिनों तक हो रही बरसात के कारण चौपट हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर के फतेहाबाद में आज काफ़ी संख्या में किसान लघु सचिवालय के गेट पर इकट्ठा हुए और बरसात में भीगते हुए नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय के अंदर मुख्य गेट पर DC कार्यालय तक पहुँचे। यहाँ पर किसानों ने उनकी मांगों को ज्ञापन देने के लिए तहसीलदार को लेकर के DC तक भी आए, लेकिन किसान इस बात पर अड़े रहे कि पहले जो मांगे मानवाने के लिए ज्ञापन दिए गए हैं सरकार और प्रशासन, उन्होंने इस पर कुछ नहीं किया। किसानों ने पूछा कि जो पहले ज्ञापन दिए गए हैं उन पर क्या कार्रवाई हुई है, लेकिन अधिकारियों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लिहाजा किसानों ने DC से मिलने की मांग की। DC लघु सचिवालय के मौके पर मौजूद नहीं थे और किसान भी इस बात पर अड़कर बैठ गए कि अगर DC आकर के किसानों से नहीं मिलते हैं तो ज्ञापन किसी भी अधिकारी को नहीं देंगे। वहीं मुआवजे की मांग को लेकर के लघु सचिवालय पहुंचे किसान खराब फसलों के पौधे भी साथ में लेकर आए और लगातार किसानों ने लघु सचिवालय पर नारेबाजी की। अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। किसानों ने 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों से मुआवजा दिए जाने के लिए तथा 20,000 रुपये का मुआवजा कृषि मजदूर को दिए जाने की मांग की। किसान नेता कल्याण सिंह ने बताया कि क्षेत्र में लगातार 3 दिनों से भारी बरसात हो रही है और बरसात के कारण नरमा कपास, मूंगफली, ग्वार और बाजरा तथा अन्य धान की फसलें जो पक चुकी हैं वो पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। किसान के पास अब और कुछ नहीं बचा है। आज हम किसान प्रशासन के पास मदद के लिए मुआवजे की मांग को लेकर के पहुँचे हैं। किसानों की मांग पर अधिकारी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाए। पल पल फतेहाबाद से खास रिपोर्ट राजेश भांपू के साथ। मैं तो सोचा तो ऊपर बैग गल करांगे तो जो उससे आए वो इस तरह दिया नहीं सीए पे बैठे थे फिर वो ये अभी भाई के तो जो नरमे वाली फसल है वो तो चली गई। मैं अभी टवाना के आ रहा हूँ। हाँ जी, टवाना था, बुनना था, सारा आएगा देख के आ रहा हूँ। मैं ऊपर आप लोगों का इंतजार कर रहा था कि मैं आराम से बैठ के उसमें बैठ के गल करांगे, आप उन्हें समस्या समझाओगे, लेकिन चलो आप यहाँ के बात करने की जिद कर रहे हो तो मेरी क्या है, मुझे कोई दिक्कत नहीं जी। तो सारे काम ठीक है। मैं आज सुबह गया था, वहाँ टवाना प्रोग्राम था, उसके बाद वो हंसा वाला गांव में पीछे एक हमारे जिला का सैनिक शहीद हो गया था, उसके पीछे बैठ के आना था। तो मुझे पता लगा कि भी आप लोग आए हुए हैं, मुझे लगा कि मुझे घंटा दो घंटा लग सकता है, इसलिए मैंने एक ही साथ रिक्वेस्ट की थी कि भी आप जाकर उनकी बात सुन लो, समझ लो और ज्ञापन ले लो, फिर आगे हम बात कर लेंगे। देखो अगर जिला में DC नहीं है, DC मीटिंग के लिए कमिश्नर साहब के पास भी जा सकते हैं, चंडीगढ़ भी जा सकते हैं। DC की गैर हाजिरी में जो ADC है वो ऑटोमेटिकली DC हो जाता है, ठीक है। इसलिए अगर आप ये जो भी ज्ञापन देना है, जो अपनी बात कहनी थी वो AD साहब कह देते तो उसमें एक ही बात थी, DC में AD से फर्क नहीं होता। तो चलो कोई बात नहीं, आपकी संतुष्टि है वो जरूरी है। तो ये बातें हैं, जैसे मैं अभी डिस्ट्रिक्ट में घूम के आया हूँ, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, नुकसान भी हुआ है, आपकी जो मांग पत्र है वो देखेंगे और सरकार का फैसला है कि मतलब इसमें हम दोबारा स्पेशल गिरदावरी करवाएंगे, एक एक खेत की दोबारा गिरदावरी होगी और खराब बाढ़ जो है जितना भी है वो सारा लिख के हम सरकार को देखेंगे। तो उसके बाद जो सरकार रिपोर्ट के हिसाब से जो फैसला होगा, सरकार कितना परिणाम खराबा देती है नहीं देती है, हम दोबारा उसकी गिरदावरी करवा के सरकार को रिपोर्ट भिजवा देंगे। सर एक थोड़ी सी समस्या है, जब ये गिरदावरी करने के लिए पटवारी जाते हैं ना, ये किसान से मतलब वो खराबा लिखने के भी वो पैसे लेते हैं, मतलब इसको तेरा 100% तब लिखे भाई। मैं तो ऐसा कहता हूँ, कोई आपसे पैसा मांगे मीडिया के सामने कह रहा हूँ, बाकी सारे करें, आप मुझे सौदा कर लो, शिकायत हमें करवा दो, रंगे हाथों पकड़वा दूँ, अंदर करवा दूँ, अगर कोई पैसे देगा पैसे मांगता ठीक है, उससे बात कर लो, हम दे दूंगा भाई, शिकायत हमें कर दो, बिजनेस में कर दो, जूते में से लगवाएंगे, रंगे हाथों बिजनेस में कर दो,
जूते मैचर लगवाएंगे, रगे हाथ तो पकड़वा देंगे, अंदर करवा देंगे। चलो ये हमारी मांग है, इसको सरकार के साथ पास मजबूती से भेजो, बर्बादी होती है। इसको नहीं भेजेंगे, गिरदावरी में करवाएंगे, स्पेशल गिरदावरी होगी और खराबे की रिपोर्ट देंगे। और मेरा रिक्वेस्ट ये, मिलने के लिए अगर आना होता है यहाँ बैठना नहीं, ऊपर हमारे पास वो कॉन्फ्रेंस रूम है, उस पर अपनी कोठा लगी हुई है, आप ऊपर आओ, बैठ के बाल बैठ के कल कराऊंगा। ठीक है, ठीक है। एक ही सवाल है कि जो 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले जो ज्ञापन देके गए और यही खराबे का, ये जो बिखड़ है मन्ना वाली बनगांव, ये जो गाँव है सारे, वहाँ टोटल 100% बर्बाद हो गया, आपको पता होगा। उसका आया क्या 2 महीने के अंदर क्या मुआवजा है? जिसके पास बीमा नहीं है वो क्या करेगा बताओ? बीमा नहीं है 1600 रुपये जिम्मेदार का देना है 1600 रुपये बताओ। नहीं मिलता इस मौके पर, और जब वो आते हैं तो उनकी भी ये आप रिफाले करने चले जाओ, और मुख्य जो है डीसी साहब या और डीआरओ वगैरह है वो भी हमारे बीच में नहीं आते, आते कौन हो आप? और आपकी मेरे को लगता है ये सुनते नहीं, तो आप या तो इस चीज को इनकार कर दो। ये काम तो हमने करवाना है, ये काम तो सुल्तान ने करवाना है। तो पिछला तो करवाया नहीं किया, आज तो करवाया तो नहीं है। अरे अरे ये सब की कह रहे जी, हर बार गेम्पन आप ही देते हो, ये कह रहे जी हर बार गेम्पन आप ही देते हो, इसका कोई बंदा नहीं। बात इस तरह है, एडीसी साहब आए हैं, डीसी साहब के बाद में ये है इनका यहाँ पर सम्मान। हालांकि हमारी आज हम दुख की घड़ी में यहाँ पर उपस्थित है, खेतों में कोई हमारे हालात नहीं है, खाने के लिए पीने के लिए हमारे लाले पड़े हुए हैं, स्कूलों के बच्चों के देने के लिए फीस नहीं है। सुना जी, अब जो बीमा वाली वो कह रहे हैं कि ये 9वां महीना चल रहा है, अब जो केसीसी बनी हुई है उसके मेसीदारी है, देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, आरती से तो इसे कुछ लिया करते, अब हमारी फसल बर्बाद होगी तो वहां जाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। इस मरी हुई स्थिति में अगर हमारे साथ हमारे जिले के हमारे जो मुख्य साथी हैं, हमारे जो अभिभावक है, हम उनके सामने अपना दुख रोना चाहते हैं और वो दुख सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ये किस तरह का तो जिला है, किस तरह की उनकी जिले की ड्यूटी है? देखिए, हमने ये कल ऐलान किया था, जो कि बारिश से बर्बाद फसलें उसके मुआवजे की मांग के लिए आज हमने आना था, मगर डीसी साहब यहाँ मौजूद नहीं थे। मैं तहसीलदार को भेजा फिर मांग पत्र लेने के लिए, मांग पत्र तो हमने कई बार पहले भी दिए हैं मगर मांग पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज हमारी फसलें बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं, जो नरमे की खेती है वो तो जा चुकी है, मूंगफली की फसल है वो भी जा चुकी है, और धान की फसल को बहुत बड़ा नुकसान। अभी जो लोन ले रखा है केसीसी बना रखी है, और वो लोन वाले आए जो वो भी कहेंगे पैसे भरे, वो पैसे कहाँ से भरेगा? जो ना लोन भरा जाएगा ना हमारे जो और काम धंधे वो चौपट हो जाएंगे। मगर सरकार को तुरंत मुआवजे का ऐलान करना चाहिए था, मगर अभी वो सरकार गरदौरी करवा कर ही अपना पेंडा छुपाना चाहती है, उसको पता है भी उनको लालच दे देंगे गरदौरी करा रहे हैं। हमने गरदौरी तो आप करवाओ, मगर हमें तो ये सरकार फैसला करके बताए भी हम कितना मुआवजा देंगे, कि जब तक मुआवजे की घोषणा नहीं होती तब तक ये आंदोलन चलेगा। इसमें नरमा मूंगफली बाकी ग्वार है जो वो तो बिल्कुल 100% नष्ट हो चुकी है, धान की फसल को भी 20-25-30% नुकसान हुआ, जो धान पककर तैयार था वो 100% गया, और जो बीमा कंपनी है उन्होंने बीमा भी काट रखा है, जो बीमा नहीं देंगे मेरे को, हमारे को पूरा ज्ञान है, 700 रुपये एकड़ हिसाब से अभी काड़े वाली में हमारे बीमे साथियों को रहे हैं, 1650 रुपये तो काट रखे हैं, और बैंक वाले हैं वो जब कृषि पर हमने लोन ले रखा है तब वो शर्त लगा देते हैं आपको बीमा करवाना पड़ेगा फसल का जी, और बैंक से सीधे पैसे कंपनियों को भेजे हैं, कंपनियों खुला लूट करती है और देने लेने को कुछ भी नहीं है। हम तो सरकार से मुआवजे की मांग करेंगे,
कि सरकार घोषणा करे कितना मुआवजा दे, कंपनियां कुछ भी नहीं देगी, कंपनियां सरकार के लोगों का जो धरना प्रदर्शन है ये पिछले 3 दिनों से फतेहाबाद तहसील के अंदर या पूरे फतेहाबाद जिले के अंदर भारी बारिश के कारण, जल भराव के कारण जो फसलें नरमा मूंगफली गवार बाजरा या धान की फसलें जो पूरी बिल्कुल तबाह हो गई है उनके मुआवजे को लेकर के है, उनकी स्पेशल गिरदावरी की मांग को लेकर के आज हम किसी साहब से यहाँ मिलने आए थे लेकिन वो मिले नहीं। क्यों नहीं मिले, कारण क्या थे? वो कहीं गए हुए बताया जा रहा है, क्यों क्यों नहीं तो उनका सोच क्या है वो मेरे को पता नहीं, लेकिन किसानों से अभी तक डीसी साहब मिले नहीं है। पहले तहसीलदार साहब आए थे, एडीसी साहब आए थे, उनसे हमने बातचीत की, उनके पास कोई हमारे मुद्दे का ना तो समाधान की कोई बातचीत है ना कोई दूसरी उनके पास वो किसानों को संतुष्ट कर पाए ना कोई बातचीत सुन पाए। वो कह रहे हैं सिर्फ ज्ञापन दे दो और जाओ। अगर जो ज्ञापन है मान लो आप दे रहे हो उसके अंदर आपकी मांगे ना मानी गई तो आप क्या करोगे जाके, आप क्या रणनीति रहेगी? देखो मांगे ना मानी गई तो हमारे पास बचता क्या, आंदोलन लड़ाई बचती है, वो आंदोलन के माध्यम से लड़ेंगे। यहाँ साथियों ने निर्णय किया है कि डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे, बाहर धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे, ये जो कुछ इस लड़ाई को जीतने के लिए किया जा सकता है वो हम करेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल खेती के अंदर हम बिल्कुल फसलें तबाह हो चुकी है, वहाँ बिल्कुल हम फेल हो चुके हैं, कोई किसी प्रकार का और कोई दूसरा साधन हमारे पास रास्ता बचा नहीं।